गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 9:15। मैं 7 बजे उठ चुकी थी, आज मैं जल्दी उठ गई थी। पता है क्यों उठी जल्दी? ये देखो पीछे दिख रहा है ना डॉगी, इसी के कारण। इस ये शिमर है, सबसे लड़ती रहती है, शिमर के कारण आज मैं नींद खुल गई। पता नहीं क्यों लड़ रही थी सुबह से, तो बहुत तेज लड़ रही थी, उठ गई। फिर मैं नींद खुल गई मेरी और मैं उठ गई। देखो सोफे पे चढ़ गई थी, तो क्या बोले अब इसको। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, नाश्ता आज मौसी ने बनाया था। मौसी सच में बहुत टेस्टी पोहा बनाती है मेरी, और आज नाश्ते में मैंने पोहा खाया। और अब मैं पढ़ रही हूँ, यस अब मैं पढ़ रही हूँ पेपर, और पेपर पढ़ लूँ उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ छत पे। तो फ्रेंड्स मैंने पेपर पढ़ लिया है, और अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी है, मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। वैसे बताना तो कल था, मगर कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं नहीं बता पाई, और आज बता रही हूँ आप लोगों को। कल था 17 तारीख, और कल था बुधवार, और हमारे यहाँ 40 दिन के उपवास चालू हो चुके हैं, जिसे हम लेंट डेज भी बोलते हैं। और ये इसे भस्म राग बुधवार भी बोलते हैं। और अब हमारे यहाँ रोज़ सुबह शाम चर्चों में आराधना प्रार्थना होंगी। और कल के दिन पास्टर या फादर जो खजूर की डालियां होती हैं उनका राग बना के हमारे माथे पे क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, और हमें यह बताते हैं कि हम एक मिट्टी के हैं, और एक दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना है हम सभी को। और 40 दिन बहुत अच्छा लगता है, शाम को खूब अच्छा लगता है, आराधनाएं होती हैं, सबसे मिलने का एक मौका मिलता है, और कुछ जानने का एक मौका मिलता है, तो हाँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अभी जब तक कोरोना नहीं चल रहा था, उससे पहले सभी के घरों घर घर में मीटिंग हुआ करती थी, चर्च में मीटिंग होती थी, घर में मीटिंग हुआ करती थी, सभी के घर में आराधना होती थी। लेकिन अब कोरोना के कारण सबके घर जाना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो अब चर्च में ही प्रार्थना आराधनाएं हो रही हैं। तो यस आप लोगों को यही बताना था। तो दोस्तों मैं छत पे घूम के भी आ गई और आपको नहीं ले गई, सॉरी, क्योंकि मैं मोबाइल नीचे ही छोड़ गई थी। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, मौसी ड्यूटी जा चुकी हैं, और मैं पी रही हूँ, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि अब पपीते के पत्ते का सूप जूस पी रही हूँ, तो नहीं, मैं पपीते के पत्ते का जूस नहीं पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ यस गेहूँ के जो दवा ग्रास, उसी का जूस पी रही हूँ, जो भी है समझ जाइए आप, तो मैं उसी का जूस पी रही हूँ। और अगर आप इसकी रेसिपी चाहिए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और करवा दीजिए, जब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी। और इसको पीना बहुत फायदेमंद होता है, सभी को पीना चाहिए वैसे तो इसको। और अब मैं इसको फिनिश कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो हेलो एवरीवन, अभी दिन के बचे हैं 1, और अभी मौसी ड्यूटी से नहीं आई है लंच के लिए। जैसे ही मौसी आ जाएंगी फिर हम सब लोग लंच करेंगे, और आज लंच में बनना है दाल चावल और पता नहीं काय की सब्जी, मुझे नहीं पता है, मैंने अभी देखा नहीं है। और आज पता धूप नहीं निकली, मतलब आ रही है जा रही है, बिल्कुल धूप थोड़ी सी निकली और मौसम बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। सो मैं फिर से आ गई हूँ, हम लोग सभी ने खाना खा लिया है, और मौसी आ गई थी 1:15 बजे, और लंच करके फिर से वो चली गई। हम लोग सभी लोगों ने 1:30 बजे लंच कर लिया था, और अब मौसी फिर से चली गई हैं। अब वो आएंगी 5:15, 5:30 के अंदर, मतलब 5:30 के अंदर आ जाती है मोती। और आज खाने में हम लोग ने दाल चावल सब्जी रोटी खाई थी, मगर हमने नहीं खाई थी सब्जी रोटी हमें बहुत कम दिन में पसंद है, हमें दाल चावल बहुत पसंद है दिन में, तो अधिकतर हम सब्जी रोटी कम खाते हैं दिन में। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, मतलब बजे नहीं है, बज रहा है 2:30, और मैं सोच रही थी ऊपर जाऊंगी, मगर कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है और डूबता है नहीं। और अब मैं थोड़ा सा खेलूंगी अपने मोबाइल में गेम, और आज गुरुवार भी है, तो गुरुवार की मेरी एक दवाई रहती है, सोमवार गुरुवार की एक दवाई रहती है, तो मैं जूस के बाद नहीं सॉरी सूप पीने के बाद, सब्जियों का सूप पीने के बाद अपनी दवाई खाऊंगी,
और फिर अभी हम कैंडी क्रश खेल लें, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, और मैं अभी बिग बॉस देख रही थी तो मैं सोची कि चलो आप लोग से पूछती हूँ, आप लोग बिग बॉस सीजन 14 देखते हैं क्या? देखते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन पसंद है। मुझे राखी सावंत पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनर है, तो या मुझे वो बहुत पसंद है। और आपको कौन पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अब लास्ट दिन बचे हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं बिग बॉस सीजन 14 के, अब वो एंड हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है रुबीना दिलेक जीतेगी, और काफ़ी लोग रुबीना दिलेक के सपोर्टर भी हैं। काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट में देखा है कि रुबीना दिलेक वोट फॉर रुबीना दिलेक। तो आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी लगता है कि रुबीना दिलेक ही जीतेगी इस सीज़न, और आपको जो भी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन पसंद है। यानी कि तुम बोली वो अभी निकली नहीं है, वो अभी घर ही में है, और पता नहीं उसकी दोबारा एंट्री होएगी या नहीं होएगी। शायद मुझे लगता है कि उसकी दोबारा एंट्री होएगी, अगर दोबारा एंट्री नहीं होती तो वो अभी घर के अंदर नहीं होती। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि यस वो घर के अंदर ही है अभी निक्की तंबोली, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन, अब मैं आपसे मिल रही बहुत देर बाद, अभी टाइम हो चुका है 7:30 और मुसी गई है चर्च, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीटिंग चल रही है तो वो गई है चर्च। मैंने आज सूप भी पी लिया सब्जियों का, आपको नहीं बताया। क्या रोज़ रोज़ बताऊँ एक ही चीज़, आप लोग भी बोर हो जाओगे फिर एक चीज़ ही देख देख के। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।